आज मैं दिखाता हूँ चिचिंदा, चिचिंदा का फ्रूटिंग मात्र 3 पौधे में। देख के हैरान हो जाओ, इतनी ज़्यादा फ्रूटिंग। पत्ते दिखेंगे नहीं, फल ज़्यादा दिखेंगे। देखिए पत्ते दिख रहे हैं और फल देखिए। मात्र 3 पौधा लगाइए, खा खा के हो जाएंगे परेशान, और बनता है ज़बरदस्त कलौंजी भुजिया 1 नंबर का। मात्र मैंने 3 ही पौधा लगाया है, और इसमें देखिए कितने क्वांटिटी में लदे पड़े हैं चिचिंदा। हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हैं। जैसे ही फ्रूट बड़ा हो जाए, उसे बड़े वाले फ्रूट को कट कर दीजिए, तभी जो जो दूसरे छोटे छोटे हैं उनका ग्रोथिंग चालू होगा, नहीं तो वो ग्रोथ नहीं करेंगे। और कल मैं इसे हार्वेस्ट करूँगा, उसका वीडियो मैं डालने वाला हूँ। आज तो हमारे यहाँ कुछ और ही सब्जी बना है। ये देखिए यहाँ से दूसरा ब्रांच क्या है, और यहाँ से दूसरे ब्रांच में एक यहाँ पे भी वो लगा हुआ चिचिंदा, एक सामने छोटा सा भी लगा है। उसमें मैं दिखाता हूँ, पहले और भी दिखाता हूँ मैं आपको। एक यहाँ देखिए चिचिंदा, उधर कम से कम 6-7-8 लगे पड़े हैं, 2-3 इधर पड़े हैं। एक ये देखिए, ये भी चिचिंदा ही है, उसी की बेल इधर तक आई हुई है। अभी और हैं, इसकी बेल काफ़ी लंबी गई है। मात्र 3 पौधे लगाया हूँ, पत्ते कम हैं, लेकिन चिचिंदा कम नहीं है, फल कम नहीं है, फल ज़्यादा ही है। देखिए 1, 2, 3 कितने सारे यहीं लगे पड़े हैं। शायद आपको ठीक से दिख रहा होगा, देखिए चिचिंदा जरूर लगाइए। और ये ऑर्गेनिक की ताकत है, केमिकल यूज मत करिए, केमिकल का यूज सही नहीं होता है आपके लिए। मैं प्योर ऑर्गेनिक यूज करता हूँ, 100% ऑर्गेनिक। और देखिए कितने सारे फल हमारे लदे पड़े हुए हैं इसमें। मात्र 3 चिचिंदा की बेल है। सामने हमारी एक लौकी भी लगी पड़ी थी, इसलिए लौकी का याद आ गया। ये देखिए छोटा सा एक यहाँ पे लगा हुआ है, जिसे मैंने बोला था दिखाता हूँ। ये भी कम से कम 1 हफ्ते में रेडी हो जाएगा हार्वेस्टिंग के लिए। कल मैं अपना हार्वेस्टिंग का वीडियो डालने वाला हूँ। मेरी लौकी की लौकी भी कंप्लीट हो चुकी है हार्वेस्ट के लिए, चिचिंदा रेडी हो गया है, प्लस नेनुआ रेडी हो गया है। कल मैं नया वीडियो डालूँगा। ओके, धन्यवाद दोस्तों।